फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशिया का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा है, पत्तियों वाला है और बनाना भी बहुत आसान है, और अगर आप इसे देखेंगी तो इंशाल्लाह जरूर बना लेंगे। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है। आपने देखिए इस तरह से पहले एक चैन बुननी है, इस तरह से रखिए और एक चैन बुन लीजिए। देखिए इस तरह से आपने एक चैन बुन ली। फिर आपने देखिए ये वाला एक हमने थोड़ा बड़ा धागा रखा है ना, इसे हमने इसके ऊपर रखना है। और देखिए इस तरह से ये दो हो गए, तो आपने फिर इस तरह से फिर देखिए क्रोशिए पे रखेंगे और इन दो फंदों को बुनेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स आप जितना बड़ा डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको छः छः प्लस करके इसमें फंदे डालने हैं, यानी कि चैन बनानी है छः छः करके। फिर देखिए ये डालेंगे और इस तरह बुनेंगे, फिर इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और ऐसे बुनेंगे, इस तरह से डालेंगे ऐसे बुनेंगे, इस तरह से डालेंगे ऐसे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें आपको समझाना है तो सिर्फ मैं इसमें 18 चैन बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई है। 9 के बाद देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 उसके बाद ये 18। देखिए मैंने 18 चैन बुन ली है। देखिए अब हमने क्या करना है, छः छः के हिसाब से इसमें हमारी तीन पत्तियों का डिज़ाइन आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स 4 चैन बुन लीजिए और इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद आपने क्या करना है, देखिए एक बल लीजिए और देखिए ये तो इस पे तो है आपका सेकंड पे, यहाँ आपने ट्रिपल क्रोशिया से 1 2 3 फिर आपने देखिए नेक्स्ट चैन में आपने फिर से 1 2 3 फिर नेक्स्ट में 1 2 3 फिर नेक्स्ट में, यानी कि आपने देखिए मैंने 18 बुना है तो आपने ये भी 18 ही बार बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने ट्रिपल क्रोशिए से 18 बार बुन लिया है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अब 18 हो गए ना फ्रेंड्स। देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने दूसरा कलर लगाना है इस तरह से। 2 चैन बुन लीजिए इससे और इसे टाइट कर दीजिए। अब आपने इसे पलटना है। देखिए यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। अब आपने पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये जो था ना, आपने एक फंदा देखिए यहाँ से लेंगे, ये जो हमारी चैन थी यहाँ से, तो ये 2 हो गए। 2 के बाद आपने देखिए क्या करना है, इसे छोड़ दीजिए, इसे पकड़िए। देखिए यहाँ से आप ये देख रहे हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, देखिए इसके अंदर से, ये देखिए इसके अंदर से इस तरह से आपने एक फंदा निकालना है। निकालने के बाद इसे एक बार बुन लीजिए सिंगल से। आप देखिए 3 फंदे हैं, तो आप 2 में से पास कीजिए, फिर 1 में से, फिर 1 चैन बुनिए इस तरह से। फिर आपने ये देखिए 1 2 फंदे हो गए, ये 3, और फिर आपने देखिए इसके नीचे से इस तरह से रख लीजिए और यहाँ से देखिए पहले एक बार बुनिए, फिर ये देखिए 4 फंदे हो गए, फिर 2 में से पास करिए इस तरह से, फिर आपने एक चैन बुननी है। देखिए 4 फंदे हो गए थे, अब हमारे 5 फंदे बनेंगे, 2 3 4 और ये देखिए यहाँ 4 के बाद देखिए 5 हो गए। 3 से शुरू करा था, पहले 4 थे फिर 5 हो गए, तो आप देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5 इस तरह से। फिर देखिए फ्रेंड्स एक आपने बुन लिया, अब आपने फिर से फंदे निकालने हैं, 2 फंदे 3 4 5 5 के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इस तरह से एक बार बुन लीजिए 5 के बाद। अब हमारे ये देखिए 6 फंदे हो गए, फिर हम इन्हें पास करेंगे, 1
दो, तीन, चार, पांच और एक हम सिंगल अपनेंगे तो छह हो गए। अब आपने क्या करने देखिए, फिर एक फंदा आपने यहाँ से निकाला, ये दो हो गए, ये तीन, चार, पांच, छह, छह के बाद देखिए फिर इसके अंदर से एक बार बुनेंगे सिंगल स्टिच से। अभी हमारे सात फंदे हो गए, दो, चार, छह और एक साथ। तो देखिए इस तरह से पास करेंगे हर एक में से, इस तरह से ये हमारे सात फंदे हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी पत्ती बनके तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है देखिए इस तरह से, अब आपने क्या करना है देखिए यहाँ से गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। देखिए पांचवी में आपने इसको इस तरह से जॉइंट करना है। तो देखिए हमारी ये पत्ती वाला डिजाइन इस तरह से आएगा उभर कर। फिर आपने देखिए एक चैन बुननी है और एक चैन बुनने के बाद आपने यहाँ से एक फंदा पहले इस तरह से लेना है। इसके बाद देखिए ये पांच हो गए थे, अब ये छठे हैं, तो इसके नीचे से देखिए यहाँ से इस तरह से रख लीजिए, यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए फिर से ये तीन फंदे हो गए हमारे, फिर हमने यही पत्ती बनानी है और अब हम इन दो के अंदर से इस तरह से निकालेंगे, फिर एक चैन बुनेंगे, फिर देखिए दो फंदे, तीन और अब हमारे यहाँ चार फंदे हो जाएंगे एक बार बुनने के बाद। देखिए दो में से पास करिए, फिर एक में से, फिर एक में से, फिर एक बार बुनिए, फिर इस तरह से देखिए एक, दो, तीन, तीन फंदे, चार फंदे हो गए और इसके बाद देखिए यहाँ बुनेंगे इस तरह से, दो, चार, देखिए पांच फंदे हो गए थे। अब आप इस तरह बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार और देखिए पांच। अब आपने फिर एक चैन बुन लिए, फिर आपने फंदे उठाने, ये देखिए एक फंदा, दो, तीन, चार और एक इसके अंदर से ये पांच। देखिए फ्रेंड्स एक हमारा तो रहता है, अब हम इसे गिनेंगे तो हमारे छह हो जाएंगे, तीन तीन छह। फिर देखिए इस तरह से हर एक में से पास करेंगे इस तरह, फिर एक चैन बुन लेंगे, फिर देखिए अब हमारे सात फंदे बनेंगे, एक हमारे पे है, ये दो, तीन, चार, पांच, छह और देखिए इसके अंदर से पहले सिंगल स्टिच से बुन लीजिए। तो अब देखिए सात हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये सात। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत सी पत्ती बनकर आई है। देखिए अब आपने इस पत्ती को यहाँ पांच गिनेंगे आप, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पांच पे आपने अटैच करना है इस तरह से। ये देखिए, देखिए दो पत्तियां बना ली फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको बहुत इजीली समझा दी, अब एक पत्ती और मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने दो पत्तियां आपको सिखाई थी, इसी तरह से मैंने ये तीसरी वाली पत्ती भी कंप्लीट कर ली है और यहाँ से देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, आपने यहाँ इसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से हमारा देखिए डिजाइन यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये रो कम्प्लीट हो गई है, एक, दो, तीन, चार, चार चैन बुनिए और इसे पलट दीजिए, पलटने के बाद एक बल लीजिए और देखिए अब आपने हर चैन में फ्रेंड्स देखिए ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, एक, दो, तीन, तो यानी ये हमने 18 बुने थे तो हमने 18 बार ही ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। देखिए तीन हो गए, ये चार और ये पांच, पांच के बाद देखिए ये छः, छः के बाद यहां बुनेंगे देखिए इसके ऊपर भी सात। फ्रेंड्स ये बहुत इजी डिजाइन है और ये बहुत प्यारा डिजाइन है, आठ, नौ, दस, यहाँ 11। तो फ्रेंड्स देखिए बस ये सीधा सीधा है तो मैं इसे पूरा 18 बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
तरह से मैंने देखिए ट्रिपल क्रोशिया से देखिए 18 बार बुन लिए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आप अपनी पसंद का कोई सभी कलर ज्वाइंट करिए यहाँ पे इस तरह से। एक तो दो चैन बुननी थी और आपने क्या करना है, दो चैन बुनने के बाद इसे टाइट कर दीजिए यहाँ इस तरह से। अब आप इसे पलट लीजिए, पलटने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ये एक फंदा है ना, आपने दूसरा फंदा यहाँ से लेना है, दो हो गए और दो के बाद देखिए यहाँ यहाँ से ले लीजिए इस तरह से। देखिए ये बैक साइड इसे रखिए और इसके नीचे से निकालिए पहले एक फंदा, सिंगल से बुन लिया। अब देखिए तीन फंदे हैं तो अब इन तीन फंदों को में से देखिए हमने जैसे पहले पत्ती बनाई थी बिल्कुल उसी तरह करना है। देखिए अब हमने चार फंदे बनाने हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये दो फंदे हो गए और ये देखिए तीन हो गए और एक हम इसको इस तरह से रख के पहले सिंगल से बुन लेंगे। इसके बाद देखिए चार फंदे हैं इस तरह से पास करेंगे। अब हमने पांच फंदे बनाने हैं तो देखिए दो तीन चार और देखिए एक इसके नीचे से, तो अब देखिए ये हमारे पांच फंदे हो गए, पांचों में से हम एक एक करके पास करेंगे। अब हमारे छह फंदे बनने चाहिए फ्रेंड्स, देखिए एक नहीं दो तीन चार पांच और देखिए इसके नीचे से यहाँ से इस तरह से एक बार बुन लिया और फिर देखिए इस तरह से आपने पास करना है और ये आपकी बहुत खूबसूरत सी पत्तियों वाला डिजाइन तैयार होगा। देखिए फिर अब आपने सात फंदे बनाने हैं, देखिए दो हो गए तीन चार पाँच छः और छः के बाद आपने एक बार इसके अंदर इस तरह से सिंगल से बुन लीजिए। अब देखिए सात फंदे हैं तो आपने इस तरह से हर एक में से पास करना है, ये देखिए इस तरह से। और अब आपने देखिए यहाँ जैसे फ्रेंड्स पहले आपने देखिए पांच के बाद यानी कि एक दो तीन चार पांच यहाँ आपने फिर इसको जॉइंट करना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स बस आपने इन्हीं पत्तियों को रिपीट करना है, तो देखिए मैं आपको रिपीट कर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है और कितना इजी है इसे बनाना देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।